ब्रेकिंग न्यूज, कन्नौज ऑटो व जेएस टेम्पो चालकों में सवारी ले जाने को लेकर विवाद हो गया। मारपीट से नाराज ऑटो ड्राइवरों ने चक्का जाम कर बोर्डिंग ग्राउंड पर गाड़ी खड़ी कर विरोध प्रदर्शन किया। चक्का जाम की सूचना मिलते ही सीओ व कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई। काफी समझाने के बाद ड्राइवरों ने हड़ताल को खत्म किया, साथ ही ऑटो चालकों ने मारपीट करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। टेम्पो यूनियन पर भी परेशान करने का आरोप लगाया है। एक बार फिर रूट के विवाद को लेकर जेएस टेम्पो व ऑटो ड्राइवर आमने सामने आ गए हैं। दरअसल शनिवार को गुरसाईगंज कोतवाली क्षेत्र के गांधीनगर निवासी शाहरुख बुकिंग पर कुछ सवारियों को अपने ऑटो में बैठा कर गुरसाईगंज से कन्नौज ला रहा था। तभी जेएस टेम्पो यूनियन ने कन्नौज गुरसाईगंज रूट पर ऑटो चलने का विरोध कर सवारियों को उतार लिया। विरोध करने पर ड्राइवर को मारपीट कर घायल कर दिया। ऑटो ड्राइवर के साथ मारपीट की जानकारी होते ही आक्रोशित चालकों ने बोर्डिंग ग्राउंड में चक्का जाम कर हड़ताल शुरू कर दी। ये थी डीडी टुडे के लिए आलम कुरैशी की खास रिपोर्ट। क्या समस्या है आज आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए? समस्या ऐसा है, अभी देखिए लॉकडाउन में सबकी कमर टूटी हुई है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे जैसे मुंबई में रहता कोई किधर रहता, अब यहाँ आके हम लोगों ने गाड़ी यहाँ निकाली है कुछ रोजी रोटी घर परिवार देखने के लिए। तो यहाँ पे ये जो जैसे वाले हैं इनके जो ठेकेदार हैं ये लोग चलने नहीं दे रहे। ये लोग बोल रहे आप लोग गुरसाईगंज, आपने बात कही थी कि आपके चालान जबरदस्ती कराए जाते हैं। चालान ऐसा है सर, ये चालान की तो बात ये है कि ये जैसे में ना 15-16 जन को बिठाते हैं, ठीक है सर, 15-16 जन को बिठाते हैं। अगर हमारी रिक्शा में 4 जन भी बैठे ना, अगर 1 जन भी एक्स्ट्रा हुआ उस पर भी केस कर देते, चालान करा देते। और ये लोग सब खून से कम सब काम कर देते, कहीं जसोदा में खड़ा कर देते, कहीं कन्नौज में यहाँ बस अड्डे पे, कहीं क्रॉसिंग पे तिरवा क्रॉसिंग पे खड़ा कर देते। ये हम लोगों को हर तरीके से परेशान कर रहे हैं। तो अब आप लोग कहाँ जाएंगे? अब हम अभी सुब्रत पाटिल पाठक जी के पास जा रहे हैं, वहाँ पे देखते हैं, उम्मीद है कुछ वहाँ से कुछ होएगा तो हम लोग की रोजी रोटी आगे चलेगी। बाकी तो फिर हम लोग को तो फिर बैठने या धरना धरना ही पड़ेगा। फिर हम लोग कहाँ अपने बीवी बच्चों को लेके जाएंगे? यही है सर। अधिकारी को अवगत कराया आप लोगों ने? जी किसी अधिकारी को अवगत कराया आप लोगों ने? नहीं अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, अब हम जा रहे हैं वहीं से मालूम पड़ेगा।